हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यारे चैनल स्टडी विद यूनिक पर। बच्चों जैसा कि आप जानते हो और अगर नहीं जानते हो तो देख लो पिछला लेक्चर कि हमने उसमें एक्सरसाइज 6.3 का पूरा बेसिस कराया, पूरे इक्वेशंस ऑफ प्लेन्स करा दिया और साथ में इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स भी लास्ट में कराया हुआ है, ठीक है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं बच्चों एक्सरसाइज 6.3 जो कि पिछले बेसिक वीडियो पे बेस्ड है, जो कि एक्सरसाइज 6.3 का था, ठीक है। जो पिछला वीडियो है वो पूरा बेसिक है बेटा, वापस से बता दो एक्सरसाइज 6.3 का, ठीक है। तो जो अगर जिस बच्चे ने एक्सरसाइज देखी है तो वो जल्दी से जल्दी ये क्वेश्चंस कर पाएगा, वरना मुश्किल हो जाएगी। तो प्लीज मैं बोलता हूँ एक बार उसे देख लो, 20 से 25 मिनट का ये शायद एक घंटे का शायद हो, तो उसे अच्छे से कर लेना, तभी आप यहाँ आना तो अच्छे से आपको समझेगी सारी चीजें। वैसे मैं पूरा इस वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिर भी अगर कुछ छूट गया तो कैसा होता है क्वेश्चन के बीच में मैं ज्यादा नहीं बता सकता, थोड़ा बहुत कंसेप्ट बता के आगे जाना होता है, क्लियर। चलिए तो शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6.3, क्लियर। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ प्लेन व्हिच इज एट 42 यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड व्हिच इज नॉर्मल टू द वेक्टर 2i + j - 2k। अब इसका क्वेश्चन जो है उसको अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ आपको डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिया गया है, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन दिया है। देखो ये बोला है डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है। ये प्लेन का डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन 42 यूनिट, ठीक है। और विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, हाँ विच इज नॉर्मल, मतलब अगर प्लेन इस पे परपेंडिकुलर है नॉर्मल है तो ये भी प्लेन पे होगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन कुछ ऐसी है, देखो ये हो गया आपका प्लेन, ठीक है। इसमें कुछ ये ओरिजिन से दूर है, सपोज मैं ओरिजिन बोल दूँ, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस है ये है 42 यूनिट्स, ठीक है। और आगे बोला है, हाँ आगे बोला है कि ये जो वेक्टर है ये परपेंडिकुलर इसका 2i + j - 2k ये इसका वेक्टर इक्वेशन, क्लियर। बहुत से बच्चे क्या कन्फ्यूज है मैं समझ गया, उनका बोलना सर ओरिजिन से है, ये ओरिजिन थोड़ी है। चलो बेटा इसे मैंने कुछ अलग तरीके से बनाया है, देखो आपको ओरिजिन के फॉर्म में बताता हूँ यही, ठीक है। देखो अरे घूम जा रहे दूसरी फिगर बना लो ना करने की बात, तो घूम गया। चलो अब ये देखो ये हो गया ना ओरिजिन, यहाँ अगर मैं कुछ इस तरीके से एक्सिस बना लो वो भूल जाओ बाकी का, तो ये हो गया अपना ओरिजिन हो और ये हो गया 0, 0, क्लियर, समझ गए। तो वही तो बनाया था मैंने, समझ गया ना, ओरिजिन डिस्टेंस भी लास्ट में पढ़ा था मैंने, वेक्टर इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म वेक्टर इक्वेशन याद होगा आपको, तो वही तो अभी से सीधा कर लो। चलो समझ गए वही यही, आगे और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें ऐसा हमें उसे घुमा के देखना होता है, उससे आसान हो जाएगा क्वेश्चन, क्लियर। तो क्या था आप क्या जान रहे हो, क्या जानते हो, देखो हाँ क्या बोला गया, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 42 यूनिट्स, और ये 42 यूनिट्स ही क्या है, पी है बेटा, क्या है पी है, तो यहाँ मैं पी लिख लू, ठीक है। आपके मन से आप कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, मतलब सेंटेंसेस में सिर्फ इक्वेशन से आना चाहिए, ठीक है। इसे पी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, पी, याद होगा आपको पी, हमने जब डेरिवेशन किया था पिछले इसमें क्या आया था बेटा बताओ, आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, ये इक्वेशन याद है आपको, नॉर्मल फॉर्म है ये, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म ऑफ वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। अब सबसे पहले हमें नॉर्मल टू द वेक्टर देखो, एंड विच इज नॉर्मल टू द वेक्टर, तो ये वेक्टर दिया गया है, सपोज हम इसको एन बार बोल देते, क्या बोल देते, एन बार, ठीक है। तो देयर फॉर देखो एन बार लेट बोल देते, लेट एन बार इज इक्वल टू 2i + j - 2k, ठीक है, यही नॉर्मल है ना, तो ये इसका इक्वेशन दिया है। हमें नॉर्मल नहीं चाहिए बेटा, हमें चाहिए उसका यूनिट वेक्टर, देखो यार देख पा रहे हो आप यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर है बेटा, क्लियर, क्या चाहिए यूनिट वेक्टर। तो एनी इक्वेशन मतलब किसी भी वेक्टर इक्वेशन का अगर यूनिट वेक्टर निकालना है तो क्या होता है, वो खुद वेक्टर का यूनिट वेक्टर, ठीक है, कैसे निकालते हैं, वो खुद वेक्टर, ठीक है, वो वेक्टर खुद अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, क्लियर। तो अब सबसे पहले हम ये वेक्टर ले लेंगे, ठीक है, क्लियर, और इसके नीचे इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 और -2 का स्क्वायर भी 4, नहीं समझे आपको चलो इधर साइड में करके बता दो, देखो ये आपको ऐसे लिखना है एग्जाम में डायरेक्ट चलेगा, ठीक है। देखो 2 स्क्वायर + 1 स्क्वायर और ये देखो ये -2 है बेटा, तो इसे प्लस करके -2 ब्रैकेट में लिख दो, जिससे कि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, और यहाँ रूट में ये, ठीक है, दिख रहा है ना आपको,
ये मैं मिटा दूंगा अभी फिलहाल के लिए, आप नोट डाउन कर लो अगर किसी को माइनस का कंफ्यूजन था यहाँ, तो इसलिए मैंने उसका माइनस का कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश की है। ठीक है, वैसे अगर आप मुझसे जुड़े हुए हो पहले से तो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ था कि माइनस का स्क्वायर प्लस आता है। ठीक है, ये तो आपको ऑलरेडी पता होगा बच्चे, लेकिन कैसा होता है बहुत बार बच्चे कन्फ्यूजन क्रिएट कर लेते दिमाग में खुद से। ठीक है, इसलिए मैंने बता दिया। चलो आगे, ठीक है, देखो टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप अपॉन ही हो जाएगा बेटा रूट नाइन। ठीक है, अपॉन हो जाएगा बेटा रूट नाइन, रूट नाइन का थ्री आता है आपको पता ही। तो एन कैप इज इक्वल टू देखो टू आई कैप अपॉन थ्री, टू आई कैप अपॉन थ्री प्लस जे कैप अपॉन थ्री माइनस टू के कैप अपॉन थ्री। क्लियर, नाइन का थ्री 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 आ गया, मतलब ये वेक्टर आपका यूनिट वेक्टर हो गया। क्लियर, तो अब यहाँ बोल सकते बाय यूजिंग ऐसा बोल देते देयरफॉर, ये नहीं लिखते डायरेक्टली, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज देखो आर बार डॉट एन कैप इज इक्वल टू पी, एन कैप क्या बेटा देखो टू आई कैप अपॉन थ्री प्लस जे कैप अपॉन थ्री माइनस टू के कैप अपॉन थ्री। ठीक है, तो यहाँ लिख लो टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप थ्री लिख ले दो, एक साथ लिखता हूँ थ्री, मैंने आपको बताने के लिए लिया था क्योंकि ये थ्री उधर भेजना होता है पी के पास। क्लियर, क्योंकि ये जो है ये एल एम एन है बेटा। ठीक है, समझ गया ना मैंने क्या बोला, एल एम एन। ठीक है, ये एल एम एन, एल एम पता है ना डायरेक्शन कोसाइंस। क्लियर, उसका भी क्वेश्चन है आगे वो भी देखेंगे। पी क्या है आपका 42 दिया गया है, यहाँ हमने लिख लिया था ये, तो यहाँ 42 ले लो। ठीक है, तो आपका इक्वेशन क्या आ गया लास्ट में, देखो क्या आ गया इक्वेशन, देयरफॉर आर बार डॉट टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप थ्री इंटू 42 हो गया 6 और हो गया 12 126। क्लियर, देखो ये हो गया आपका इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसे आप कॉपी कर लो कोई दिक्कत। मैं पहले बता दूं यहाँ 42 सिर्फ डिस्टेंस दिया था बेटा, एक ही वेक्टर था जो कि नॉर्मल था, इसलिए मैंने पहले फिगर विजुअलाइज की, पहले मैंने एक प्लेन बनाया ये और इसके ऊपर एक नॉर्मल बनाया ये। ठीक है, और नॉर्मल का इक्वेशन हमें दिया हुआ था। ठीक है, फिर नॉर्मल की इक्वेशन से मुझे पता था कि यहाँ हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या यूनिट वेक्टर, इसलिए यूनिट वेक्टर मैंने बना लिया इसका। यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वो वेक्टर खुद पूरा और अपन उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर, समझ गया, डिस्टेंस तो दिया हुआ था डायरेक्टली लिख लिया, यहाँ तक आपको समझ गया होगा तो स्क्रीनशॉट निकाल लो, कोई भी कंसेप्ट नहीं समझा एक बार वीडियो को रिवाइंड करो, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। ठीक है, चलिए हो गया, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर बेटा, चले 1 2 3 बढ़ रहा हूँ मैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलो तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द प्लेन। अब देखो ये जो प्लेन का इक्वेशन दिया गया है बेटा, ये है कार्टेशियन फॉर्म, कौन से कार्टेशियन फॉर्म। अब हमें यह डिस्टेंस पूछा गया है। ठीक है, देखो क्या बोला गया, इस बार इक्वेशन दिया गया है। ठीक है, पिछले बार इक्वेशन हमने निकाला पिछले क्वेश्चन में, यहाँ से एक नॉर्मल है सपोज। ठीक है, तो ये ओरिजिन से ढूंढो बोलते हैं, फ्रॉम द ओरिजिन ये बोला गया, देखो ओरिजिन ओरिजिन देखा बेटा, चलो अंडरलाइन कर लेता हूँ, इंपॉर्टेंट शब्द है वो इसलिए। ठीक, अब ये प्लेन का इक्वेशन हमें दिया गया है, क्या दिया गया है बेटा 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इक्वल टू 0, तो दिख रहा है ना आपको, बहुत ही कॉर्नर में हो गया थोड़ा सा, ये इक्वेशन हमें दिया गया है। ठीक है, अब देखो अगर आप अच्छे से ध्यान दोगे बेटा, ठीक है, तो आपको ये फॉर्म पता है, याद है आपको ax प्लस by प्लस cz याद है, प्लस z इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस भी कुछ भी हो सकता है, ये फॉर्म आपको याद है, इस फॉर्म में उसे लेके जाते हैं, और ये डी प्लस माइनस दोनों हो सकता है और ये डी इधर भी हो सकता है, मतलब इसे इस तरीके से ये हटा के यहाँ से इक्वल टू डी भी लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, मतलब ये पूरा का पूरा वैसे का वैसा इक्वल टू डी। क्लियर, समझ गया ना, ये पूरा एक्स प्लस बी प्लस सी जेड इक्वल टू डी, मैंने समझाया है डिटेल में पिछला जो लेक्चर था हमारा बेसिक्स का उसमें। ठीक है, तो अभी मैं करने जा रहा हूँ क्वेश्चन, ये समझ गया ना। ठीक है, मतलब ये ए बी सी दिए गए हैं। ठीक है, और हमें कन्वर्ट इसको भी इस फॉर्म में करना पड़ता है, देखो एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, इस फॉर्म में हमें इसे कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, हमें डायरेक्शन रेशियोज दिए गए,
तो रेशियो से कोसाइंस निकालना क्या हमने पढ़ा है, याद है आपको? चलो वेक्टर्स में हमने पढ़ा था बेटा, मैं आपको बता दूं, यहाँ लिख दूं मैं फॉर्मूला बीच में, यही लिख देता। क्वेश्चन बहुत छोटा है, क्वेश्चन बड़ा नहीं होता। देखो एल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ प्लस माइनस आता है मुझे पता है, लेकिन यहाँ सिर्फ प्लस है। ठीक है, चलो एम इज इक्वल टू बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। हाँ आता है यहाँ प्लस माइनस, मैं जानता हूँ। ठीक है, अगर कोई अभी भी बोल रहा है तो यहाँ आता है बेटा। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं देना। ठीक है, क्यों इसका आंसर मैं आगे बताता हूँ, रुक जाओ थोड़ा ध्यान दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियो के फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये आपको हमेशा याद होनी चाहिए लाइफ लॉन्ग, जब तक वेक्टर पढ़े, वेक्टर से रिलेटेड पढ़े कोई भी चीज़। ठीक है, वेक्टर से रिलेटेड कोई भी चीज़ पढ़ो तो ये याद रखो। ठीक है, चलो ठीक है। अब देखो बेटा, यहाँ सबसे पहली बात जो है एल निकालनी है। मैं क्या करता हूँ, देखो ये नीचे का कॉमन है ना, ये इसमें, तो इसकी वैल्यू क्या पहले निकाल लो, क्या फिर मुझे आसान जाएगा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मैं भी लिख देता हूँ, देखो वी नो दैट लिखता हूँ, स्टार्टिंग वी नो दैट से करता है, या सीधे इक्वेशन ऑफ लिखो, इक्वेशन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 6x माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो बेटा हो गया इतना, देयरफॉर वी नो दैट, ये WKT वी नो दैट है, याद रखना, ax प्लस by प्लस cz, यह डी लिखूंगा मैं, जरूरत तो नहीं उसकी, प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे डी भी लिख लेते, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, पहले बता दूँ। ठीक है, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू माइनस 2 और सी इज इक्वल टू 3, क्योंकि वो इंटीजर है, कॉन्स्टेंट है, कुछ भी हो सकता है। एक बाय कंपेयर, बाय कंपेयर लिख लो, बाय कंपेयर। क्लियर, ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया। क्लियर, ये हो गया आपका इंपॉर्टेंट चीजें, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके भरोसे पूरा क्वेश्चन है। तो अंडर रूट हम जानते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का आंसर निकाल लो ना। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखो ए का क्या हो जाएगा बेटा, ए का 6 का स्क्वायर 36, देखो ए का 6 का स्क्वायर 36, 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 पॉजिटिव वाला, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है 3 का 9, तो ये 49 और 49 का हो गया बेटा 7। तो ये आ गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया, तो पहले मैं लिखते, ठीक है, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दूँ, क्योंकि जी अब फिलहाल इसका कितना काम नहीं है। ठीक है, ये आप याद रखो, निकल रहे हैं चुप साइड में, चलो हो गया बेटा, चलो इस साइड में कर लिया। अब देखो, अब इतना आ गया ना हमारे पास, तो एल एम एन निकालना कोई बड़ी बात नहीं। देखो एल क्या है बेटा, ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर, अब ए क्या है बेटा, ये आपका 6 है बेटा, यह है 7, तो 6 अपॉन 7। क्लियर, एम क्या हो जाएगा बेटा, बी अपॉन अंडर रूट पूरा का पूरा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। बी कितना है बेटा, माइनस 2, माइनस 2 अपॉन 7। और सी कितना है बेटा, सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू 3 अपॉन 7। क्लियर, अब देखो बेटा, अब क्या करना है हमें, ये समझ गया ना आपको एलेवन, देयरफॉर 6x स्क्वायर माइनस 2y प्लस 3z माइनस 7 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन को लिख लो। ठीक है, डिवाइड बाय 7, ऐसे लिखना नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ 7 आ गया ना, सबके नीचे सिर्फ 7 बढ़ गया इसीलिए। ठीक है, 6 बाय 7, 6x बाय 7 माइनस 2 बाय 7 वाई प्लस 3 बाय 7 जेड, ये माइनस 7 हो जाएगा प्लस 7 और अपॉन में 7, तो ये आ गया 1। तो 6 बाय 7 एक्स माइनस 2 बाय 7 वाई प्लस 3 बाय 7 जेड इज इक्वल टू 1। तो यहाँ आपका ये है बेटा एल, मैं अलग कलर से लिख दूँ, ये है बेटा एल, ये है बेटा एम और ये बेटा एन। ठीक है, मैं ये मिटा नहीं रहा हूँ, वो रख रहा हूँ मैं, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। देयरफॉर therefore
पी इज इक्वल टू वन इसके साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है, बाय कंपेयरिंग विद दिस। अब याद रख लेना, इसे चाहो तो आप मार्क कर लो या लिख लो, इसके साथ इसे कंपेयर करना है, ठीक है, और यहाँ आंसर लिखना है पी इज इक्वल टू वन। देयरफॉर डिस्टेंस ऑफ द वेक्टर, डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम द ओरिजिन इज वन, ठीक है, आप लिख लेना डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज वन, ये आपका डिस्टेंस आ गया, क्लियर। देखो उसको अच्छे से एक बार और कॉन्सेप्ट को पकड़ना बेटा, ठीक है। क्वेश्चन आसान था, मैं जल्दी निपटा सकता था, लेकिन मैंने जानबूझ के ध्यान दे के बताया। बहुत से बच्चे ये क्वेश्चन रटने की कोशिश करते हैं, यहाँ बेटा मेथड वेथड काम आने वाली है वो बात अलग होगी, फॉर्मूला अलग बात होगी, लेकिन कॉन्सेप्ट मेन है, ठीक है। बाकी सारी चीजें तो आ जाएगी, रट्टा मार के सब आ जाएगा ये फॉर्मूला वॉर्मूला, लेकिन प्रॉब्लम क्या आएगा जब कॉन्सेप्ट में बात आएगी ना, तब आप अटक जाओगे, बोर्ड में अटकोगे, एमएसटी सिटी में अटकोगे, ठीक है। चलो आगे, ठीक, 1 2 3 स्क्रीनशॉट निकाल जाओगे, आई होप। चलो आगे तो बढ़ते बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, ठीक है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन 2x + 6y - 3z = 63, ठीक है। अब यहाँ एक प्लेन दिया गया है बेटा, सबसे पहले तो जैसे कि वहाँ से समझ पा रहा हूँ मैं, और ये ओरिजिन, तो ओरिजिन से हमें डिस्टेंस निकालना है उस पॉइंट का जो कि इस प्लेन पे है परपेंडिकुलर, ठीक है, परपेंडिकुलर। ये कैसे समझा, फुट ऑफ द कोऑर्डिनेट उसके निकालने हैं, तो ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर और उसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। ये कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन दिया गया है, तो पिछले इसमें क्या था वैसे सेम टू सेम प्रोसेस, एक कदम आगे, सिर्फ हमें इस बार ये पूरी सेम टू सेम प्रोसेस करनी है, ठीक है, और उसके बाद एक फॉर्मूला लगा देना है। बता दो क्या, देखो ये इक्वेशन मैंने आपको अभी बताया, lx + my + nz = p, ठीक है, पहले इसे इसमें कन्वर्ट करेंगे, ये नॉर्मल है, ये ए बी सी दिया गया है, ठीक है। ए बी सी यानी क्या होता है बच्चों, डायरेक्शन रेशियोज, हमें डायरेक्शन कोसाइन में कन्वर्ट करना है, उसके बाद हम कोऑर्डिनेट्स बोल देंगे, कोऑर्डिनेट्स कभी भी पूछा गया ऐसा क्वेश्चन, देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर आर, देखो हमेशा ध्यान देना, x इज इक्वल टू पी एल, वाई इज इक्वल टू एम एल, और जेड इज इक्वल टू, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, याद रखना, सॉरी पी एम, और ये हो गया पी एम, ठीक है, ये होते हैं कोऑर्डिनेट्स। यहाँ देखो यहाँ साइड में लिख लो पी एल, पी एम और पी एम, क्लियर। अब चलिए शुरू करो, हो गया पूरा, चलिए करते हैं अब शुरू, हो गया ना, ठीक है। अब देखो बेटा पहले इसे कन्वर्ट करना है, तो एल का फॉर्मूला अभी हम जानते हैं क्या लिखा था हमने, पहले मैं एक फॉर्मूला लिख लूँ, इस बार पूरे नहीं लिखता मैं, एक एल का लिख लेता, फिर उसके बाद सीधा सीधा डायरेक्ट एम और एन का बना लो, क्लियर। चलो तो सबसे पहले लिखते हैं इक्वेशन ऑफ प्लेन का, दिया इक्वेशन ऑफ प्लेन इज 2x + 6y - 3z = 63, क्लियर। देयरफॉर बाय कंपेयरिंग विथ ax + by + cz = d लिख देते, ठीक है, ये डी आने का क्या लिख देंगे, देखो a = 2, b = 6, c = -3। हाँ, और बहुत से बच्चे समझ होंगे, अभी मैं बता देता, अगर ये टाइप में ये फॉर्म में इक्वेशन है तो ये एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो ये सबसे बड़ी आपकी गलती है, क्यों मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने आज तक किए कभी भी एलिमेंट दिए नहीं होते, एक मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएगा, फिर एक मार्क्स सिर्फ, एक या दो, दो भी नहीं, एक ही आएगा, याद रखना। तो ये कभी भी आपको इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि एलिमेंट, बच्चे थोड़ी है हम, ठीक है, इतना आसान नहीं देंगे, थोड़ा डिफिकल्टी देंगे, इसलिए एलिमेंट निकालने के एफर्ट्स वो आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप करोगे, ठीक है, याद रखना। तो अगर उस तरीके से कर लिया ना तो क्या करो, ठीक है। चलो एल ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू कितना है, 2 अपॉन अंडर रूट, मैं शॉर्ट में लिखूंगा, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36 और 3 का 9 - 3 का 9 होगा, -3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, ये 49 आ जाएगा, देखो 36 और 4 40, 40 और 9 49, तो ये आ गया 7 root 49 है 7, ठीक है, 2 by 7 आ गया आपका एल, वैसे ही एन इज इक्वल सॉरी एम है ना, एम एम बी बाय, तो बी कितना है, बी बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये तो सेम टू सेम वैल्यू रिपीट होगी, तो यहाँ 7 लिख सकते हो,
बी की वैल्यू 6 है बेटा, क्लियर। एन के लिए तो डायरेक्ट लिख दो सी एम वन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएगा बेटा माइनस 3 अपॉन 7। तो ये आपकी एलिमेंट की वैल्यूज आ गई, देखो ये एल ये एम ये एन, क्लियर। अब बहुत आसान हो जाएगा क्वेश्चन, देखो यहाँ यहाँ तक। अब देखो अब इसे वापस से लिख लेना, ठीक है। देयरफॉर 2x plus 6y minus 3z is equal to 63। तो यहाँ 7 है ना, अगर इस फॉर्म में करना है ये, ठीक है, और p लाना है, पहले तो p लाना पड़ेगा। p लाने के लिए आपको इसको 7 से डिवाइड करना है। इससे बच्चों 7 देखो 7 7 7, क्योंकि एलिमेंट 7 आ गया, 7 7 7 नीचे आ गया, इसमें डिवाइड करेंगे। देयरफॉर डिवाइड बाय 2 लिखोगे, पिछले बार लिखा था, इस बार नहीं लिखता, डायरेक्टली 7 से डिवाइड करो। 12th में बेटा मत लिखो वो सारी चीज़ें, ठीक है, टेंशन नहीं लेना आपको, हो जाता है वाई आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है इतने बच्चे बच्चा से, ठीक है। 63/7, अब चाहो तो ये भी मत लिखना, मैंने आपके लिए लिखा सी, ठीक है। या 2/7x 6/7y माइनस 3/7 जेड, सॉरी जेड जेड जेड, यहाँ क्या हो गया सर, सॉरी बेटा आपको ज्ञान दे रहा हूँ, मैं खुद ही गलत हूँ, जेड यस इज इक्वल टू यहाँ 9, क्लियर बेटा। 3/700 इज इक्वल टू 9। अब एक चीज़ यहाँ सुनना बेटा, ये स्टेप डायरेक्टली लिखी तो भी चलेगा, ये जरूरत नहीं लिखने की, समझ लिखना डायरेक्ट नहीं लिखना चाहिए तो, ठीक है, आपकी इच्छा है वो, क्लियरली आपकी इच्छा, ठीक है। इतना हो गया, अब मैं आसानी से कोऑर्डिनेट बता सकता हूँ। देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर, द लिखना बीच में चाहिए तो, एक्स इज इक्वल टू पी एल, यानी क्या हो गया बेटा 9 × 2 यानी कि 18, ठीक है। y इज इक्वल टू पी एम, देखो ध्यान से देखना, पी एम पी एम मैंने मोदी सर नहीं, ठीक है, पी एम से पी एम याद रखना, ये हो गया 9 × 2, ठीक कितना बेटा एम कितना है 6 है बेटा 6/7, अरे मैंने एल के जगह से 2 ले लिया है ना, हाँ वही तो सोचो यार ऐसा क्यों आ गया, एक मिनट यहाँ 2/7 आता है बेटा, ठीक है, एल की जगह देखो 2/7 है, क्या है 2/7, तो यहाँ लिख लो, ये लिखने की जरूरत नहीं थी, इससे भी हो जाता लेकिन मैं पी निकालना था ना हमें इसलिए, ठीक है। y इज इक्वल टू एम एल, तो m कितना है बेटा 6/7, और हमारा बार बार एक ही एक गलती कर रहे सर, पी नहीं लिख रहे, पी एम था भी मोदी जी सर बोला मैंने, हाँ सही गलत हो गया सॉरी, ये 9 ध्यान से उतर गया, वो बहुत ही छोटा कर दिया, इतनी जगह कम नहीं है, जगह बनाओ सर, ठीक है जगह बना दीजिए, ये हो गया। इसे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, हाथों हाथ इसे भी नीचे जाएगी, सॉरी बच्चा आपकी इनकन्वीनियंस के लिए, यहाँ मल्टीप्लाई कर देगा तो क्या हो जाएगा 9 6 बताओ 54, याद नहीं किया पर अपॉन 7, ठीक है, और लास्ट में क्या आ जाएगा जेड, तो ये आ गया पी एन, पी एन क्या हो जाएगा 9 × -3/7, ठीक है -3/7, तो ये कितना आ गया बेटा, ये हो गया -27 और ये हो गया अपॉन 7। तो आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, आपके कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, देखो ध्यान दे रहा थोड़ा मेरी तरफ अभी, ठीक है। देयरफॉर क्या लिखता हूँ सेंटेंस, देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ फुट आर 18/7 54/7 एंड -27/7, ठीक है, समझ गया ना, ये देखो मैं छोटा कर दिया इसको क्योंकि वो दिख नहीं रहा था, स्क्रीनशॉट निकाल लो, मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ बेटा, थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं चले आगे, ठीक है, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ बेटा, हो गया होगा स्क्रीनशॉट निकाल के, आई होप निकाल लिया हो, चले सब देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 4, रिड्यूस द इक्वेशन r बार डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप इज इक्वल टू 70 टू नॉर्मल फॉर्म एंड हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द नॉर्म, ठीक है, पहले लेंथ निकालनी है ओरिजिन से फिर डायरेक्शन कोसाइन, ठीक है। चलो बस सिंपल सी बात है, क्वेश्चन से हमें प्यार है, ये तो होना ही चाहिए, ठीक है, और आगे ये जो 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 12k कैप है ना, ये इस नॉर्मल इक्वेशन है। चलो बता दो आपको पूरा, देखो ध्यान देना थोड़ा सा, तो ओरिजिन
थ्री आएगा क्वेश्चन, कोई भी मुश्किल नहीं इसमें, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने के पीछे टाइम गवा रहा हूँ जानबूझ के, ठीक है, जिससे कि आपको बाद में दिक्कत ना हो। बाद में ये ना बोलना कि सर ने पढ़ा है लेकिन हमें नहीं आता, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा डिटेल में हर एक चीज़ समझो, समझ आया चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर इसमें ये तो होता ही है। अब आप क्या ये जानते हो बेटा, इज़ इक्वल टू बी, देखा ये आर बार डॉट एन यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू बी, तो इसमें मिसिंग क्या है देखो अच्छे से, ये एन बार है, ठीक है, ये कुछ इस फॉर्म में देखो आर बार इज इक्वल टू एन बार इज इक्वल टू बी, ये कुछ इस फॉर्म में, ठीक है, ये इस फॉर्म में, ये गिवन फॉर्म है, ये गिवन फॉर्म है जो हमें दिया गया है, ठीक है। आप बोलोगे सर ये तो अलग फॉर्म था, बेटा इसी फॉर्म के सारे होंगे, सारे फॉर्म बने अगर आपका ध्यान है तो, ध्यान देना, पिछला लेक्चर अगर देखा तो इसी फॉर्म के सारे, ये गिवन फॉर्म इस क्वेश्चन में, ठीक है, और रिक्वायर्ड फॉर्म, ये हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म है, इसलिए इस फॉर्म में हमें ये क्वेश्चन रिक्वायर्ड है, क्लियर। तो ये रिक्वायर्ड है इसलिए इसको स्टार बना देते, ये गिवन है इसलिए इसको क्या बोलूँ मैं, क्या बना देते इसे, लड्डू बना देते, लड्डू बना, चलो। तो इससे इसके तरफ जाना है, यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम जो जानते वो लिखते हैं गिवन इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज आर बार डॉट थ्री आई, वाई बोला है ना ये भाई, देखो अच्छे से नॉर्मल फॉर्म में करना है, तो ये तो नॉर्मल फॉर्म, ठीक है, क्वेश्चन में सब कुछ बताया गया है, ठीक है, आपको कोई दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, चलो हो गया इतना। मैंने बहुत बार देखा कि बच्चे इस चैप्टर को ना अंडर एस्टिमेट करते हैं, मुझे पता है, और पेपर में ये क्वेश्चन ही उनसे बनता है ऐसे, मतलब इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं ये नहीं बोला पर्टिकुलर, इस चैप्टर से रिलेटेड, ठीक है, चलो करो आगे, ठीक है, थोड़ा आवाज बढ़ने की कोशिश चलूंगी। तो आर बार ये आ गया, सबसे पहले तो यूनिट वेक्टर बाय कंपेयरिंग वी गेट एन बार इज इक्वल टू थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप, किसी साथ कंपेयर किया यहाँ लिख लो आर बार डॉट एन बार इज इक्वल टू डी, इसे एन बार से एन कैप करना है, इसे उसको अंडरलाइन किया, ठीक है, चलो इसे एन कैप कैसे करें, तो एन कैप यूनिट वेक्टर ऑफ एनी वेक्टर इज इक्वल टू वो वेक्टर खुद, ये आपको फॉर्मूला आता है इसलिए मैंने डायरेक्ट लिखा, ठीक है, नहीं आता इसके पिछला जस्ट क्वेश्चन किया उसमें लिया, ठीक है, ये अपॉन इसका पूरा मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 12 का स्क्वायर 144, इसके एडिशन मेरे हिसाब से आती है बेटा 169, क्योंकि 16 160 और 9, ये 160 इन दोनों का, वो 9 जाएगा 169 और रूट ऑफ 169 इज 13, रूट ऑफ 169 इज 13, ठीक है, तो 3 आई गैप प्लस 4 जे गैप प्लस 12 के गैप अपॉन 13, ये हो गया आपका एन कैप, क्लियर, एन कैप आ गया आपका, यहाँ तक दिक्कत नहीं, मैंने कुछ नहीं किया बेटा, सिर्फ ये फॉर्म दिया था, ये मैंने लिखा है, इसमें करना है, मैंने एन कैप बना लिया, कोई मुश्किल नहीं, ठीक है, जो गिवन है वो लिख लो, ठीक है, आर बार डॉट थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप, ऐसे क्वेश्चन कभी भी गड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, ठीक है, फोर जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप, आप ही गड़बड़ करें, नहीं शांति से कर, ठीक। अब क्या करते हैं, 13 से डिवाइड कर देते इसे, जिससे कि हमें ये एन कैप मिल जाएगा, है ना, हमें पता चल गया कि नीचे 13 आता है, ठीक है, 13 से डिवाइड कर देते सीधा, तो आर बार डॉट थ्री आई कैप प्लस फोर जे कैप प्लस ट्वेल्व के कैप अपॉन 13 डिवाइड बाय 13 ना, 78/13, अब 78/13 कितना हो जाता है बेटा, कितने पे कटेगा, 6 पे कटेगा, बिल्कुल, देखो 3 6 18 और 10 6 60, 10 6 60, ठीक है, तो 60 और 18 हो गया 78, 60 70 और 8 बचे 78, चल आगे जाना। अब देखो बेटा यहाँ बॉस किस चीज़ के मन में आ रहा, बॉस की ये 13 यहाँ भी जाना चाहिए, यहाँ भी जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो ये दोनों डॉट प्रोडक्ट है, मतलब मल्टीप्लाई होगा, तो ये मल्टीप्लाई में एक को ही मिलेगा, या तो इसे, तो इसे दे दो ना आपको, क्योंकि एन कैप की जरूरत है, ठीक है, ये कन्फ्यूजन होती है बच्चों का, ठीक है, अब देखो यहाँ हो गया ना क्लियर इतना, ठीक है, अब हमें यहाँ से मिल रहा है कि ये जो D है, ठीक है, D नहीं P, हाँ, देयरफॉर डिस्टेंस, फर्स्ट वाला क्वेश्चन, डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन
कौन सा डिस्टेंस है परपेंडिकुलर या परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम प्लेन ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन इज इक्वल टू 6 यूनिट्स। ठीक है, 6 यूनिट्स है, यूनिट लिखे तो भी चलेगा सिर्फ। ठीक है, अब इतना हो गया। अब हमें पूछा गया है बेटा और कि आप करके बताओ इसके एलिमेंट निकाल के बताओ। चलो एलिमेंट निकाल लेते हैं, इसी निकाल लेते हैं। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है एल इज इक्वल टू 3/13 क्योंकि हम जानते हैं कि ये है होता है एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इक्वल टू टी। तो ये पी तो आ गया था, तो 3/13 4/13 12/13। ठीक है, एम हो गया 4/13 और एन हो गया 12/13। ठीक है, क्लियर। ये दूसरा आंसर और ये पहला आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो बेटा इसको। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चंस और हर एक क्वेश्चंस को दिल में उतार लेना अच्छे से, मतलब दिमाग में दिल में झाड़ू उतारना है रस की तरह। ठीक है, चलो आगे। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आई होप आपने स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा। लास्ट मेरी तरफ से कॉल 1 2 3। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बच्चों, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। अब देखो, यह एक प्लेन होगा बेटा। ठीक है, ये प्लेन कुछ ये नॉर्मल होगा इस पे, तो इसे हम n बार बोल दें। चलो, तो इसका हमें इक्वेशन ये दिया गया है, मैं लिखता नहीं इस बार, सीधा बोल देता ये n बार है। ठीक है, और ये आपका a बार है, सपोज a पॉइंट का a बार। ठीक है, तो यहाँ कौन सा फॉर्मूला लगता था याद है आपको? यहाँ कौन सा थ्योरम लगेगा? कुछ इस तरीके से r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार, याद होगा आपको। वेक्टर पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू अ वेक्टर। ठीक है, समझ गए, याद आ गया, समझे? वेक्टर पासिंग थ्रू अ सॉरी प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर। ठीक है, चलो प्लेन था वो, वेक्टर नहीं था। ठीक है, प्लेन का इक्वेशन बनाना है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। चलो देखो, हियर a बार इज इक्वल टू a कैप प्लस j कैप प्लस k कैप एंड n बार इज इक्वल टू 4i कैप। हमारे सिलेबस के हिसाब से n बार है, जरूरी नहीं n हो, कुछ भी हो सकता, हम ऐसा नॉर्मली इसलिए n लेंगे। ठीक है, वी नो दैट इक्वेशन ऑफ प्लेन इज देखो r बार डॉट n बार इज इक्वल टू a बार डॉट n बार। ये क्या हो जाएगा, r बार ऐसे ले जाएगा, n बार क्या हो जाएगा बेटा 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप। ठीक है, इज इक्वल टू a बार क्या बेटा i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डॉट n बार 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस k कैप। 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, 6। मुझे लगा समथिंग इज फिश, ध्यान दिया मैंने उस फिश। ठीक है, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, पहले ये तो लिख लेंगे ऐसा कैसे, इसका टेंशन नहीं है। ये 4 हो जाएगा बेटा, ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6। तो ये टोटल कितना हो गया, 4 प्लस 5 प्लस 6 कितना हो गया आपका आंसर, और यहाँ 9 और यहाँ 15 है। ठीक है, 15 हो गया ना, सही किया मैंने। ठीक है, सब सही है। ठीक है, ये आई इंटू आई वन होता है, जे इंटू जे वन होता है, के इंटू के वन होता है, ये आपको पता है ना, स्केलर प्रोडक्ट में। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, ये ऐसा कैसे है लिख लेना, यहाँ मैं लिखता हूँ किसी के कौन सा आंसर है अपना। ठीक है, 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेटा आंसर। तो ध्यान से देखना क्वेश्चन को, पॉइंट एक पॉइंट से पास हो रहा है प्लेन, कुछ इस तरीके से देखो, सपोज ये प्लेन है, ये एक पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे ये पॉइंट है सपोज इससे पास हो रहा है। ठीक है, एंड परपेंडिकुलर टू दिस नॉर्मल। ठीक है, समझ गया ना, पेन भी ये पेन गिरे बिना तो लेक्चर होता ही नहीं। चलो हो गया, चलो मैं आगे। ठीक है, पेन उठा लेता हूँ मैं पहले, चलो चले आगे। 1 2 3 आओ, स्क्रीनशॉट निकाल लिया होगा आपने। मैं चल रहा हूँ आगे के क्वेश्चन की ओर।
ठीक है चलो निकाल लिया ना। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ कार्टेशियन फॉर्म पूछा गया है, ठीक है। तो मैं पहले कार्टेशियन कर देता हूँ आपके लिए, फिर आपको अलग फॉर्म से भी करके बता दूंगा। तो पहले कार्टेशियन के लिए देखते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर, कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए आर -1, 2, 3 x1, y1 और z1, ठीक है। Plane is passing through point A. ठीक है। Direction ratios of normal are 0, 2, 5 और ये हमारे हैं A, B और C. A क्या है बेटा? 0 है, B क्या है बेटा? 2 है और C क्या है बेटा? 5 है, ठीक है। उसे सॉल्व करो, A ब्रैकेट x माइनस x1, ये कार्टेशियन फॉर्म है, यहाँ लिख लेना इसके ऊपर कार्टेशियन, ठीक है। A ब्रैकेट x माइनस x1 प्लस B ब्रैकेट y माइनस y1 प्लस सीन ब्रैकेट जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0, ठीक है। बाकी सॉल्व करते हैं, देखो बेटा ए इन ब्रैकेट एक्स वन कितना है बेटा? एक्स वन 0 है, डायरेक्शन ऐसे ही 0, ठीक है। एक्स वन क्या है बेटा? -1 है, प्लस बी कितना है? 2। वाई माइनस वाई वन कितना है बेटा? 2 प्लस सी कितना बेटा? 5 और जेड माइनस जेड वन कितना है बेटा? 3, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये गया, ये कितना है? 2 है माइनस, ये तो 2 है ना, देखो ये माइनस 2 है, ये 2 है, 2 2 सर 4 है, जेड नहीं था, बहुत से बच्चों को जेड का कुछ पता है। 5 इंटू जेड 5 जेड, जेड में कुछ ऐसे निकाल दो एकदम धार धार, देखो ये 2 मेरा घुमावदार होता है, ठीक है। माइनस प्लस इंटू माइनस 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 15 इज इक्वल टू 0। अब देखो यह हो गया बेटा -19, उधर जाके +19, 2i प्लस 5z इज इक्वल टू पॉजिटिव का 19, ठीक है। यह आ गया आपका कार्टेशियन इक्वेशन, -4 -15 -19 इधर हो जाएगा पॉजिटिव 19, उधर जाके पॉजिटिव 19, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है बेटा, समझ गए। चलो तो यहाँ बच्चों 6 क्वेश्चन हमने कर लिए, अब अगले जो क्वेश्चन है बचे हुए 3-4 वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो पढ़ते रहे बच्चों, बढ़ते रहे आगे और साथ साथ में नोट्स भी बनाते रहे, क्योंकि नोट्स बनाए बिना कुछ नहीं समझ में आ रहा, ठीक है। और ध्यान से देखें पूरा वीडियो, नहीं समझा रिवाइंड करें, कोई बात नहीं। जय हिंद जय भारत।